हेलो दोस्तों, राम राम है जी सबको। सुबह के 8 बजे हैं और मैं यहाँ पार्क में आ ही हूँ। पार्क में बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ये देखो जी। अभी 8 बजे तक DAV स्कूल है पास में, इसमें बच्चे चले जाते हैं, प्रेयर होती है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई कविता बरसों बरस से अमर हो गई है, जनगण मन अधिनायक जाया है। ये बच्चे बोलते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है क्या लिखा है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उसके बाद से ये 8:30 से 9:30 के बीच में ये मजदूरों की लाइनें, कतारों की कतारें, झुंड के झुंड फैक्ट्री में जाना शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो सड़क चल उठी। इनको देखकर मुझे ऐसे लगता है जैसे सड़क चल उठी। और जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, वैन आती है, रिक्शा आती है, गाड़ियां आती है, तो ऐसा लगता है जिंदगी चल रही है, शुरू हो रही है जिंदगी फिर से। और फिर ये नेचर का साथ मिलता है। ये देखो जी, घास पर जमी हुई ओंस की बूंदें, ये ऐसे मोतियों की तरह से लगती है। ये मोतियों की तरह से चमकती है जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती है। ये मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभार मैं इनको छूकर ऐसे थोड़ा आंखों पर लगा लेती हूँ। पता नहीं इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है या नहीं, पर मैं ऐसा बचपन से कर रही हूँ। और ये लहलाते हुए पत्ते पेड़ों के, खिले खिले से फूल, बोलते हुए मोर, चहचहाते हुए पक्षी, और ये उड़ती हुई तितलियां, और गिलहरियों की टिक टिक मानो किसी खतरे की घंटी का आभास करवाती हैं। ये सब देखना मुझे पार्क में यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगता है। कई बार कुछ अनोखे पक्षी भी देखने को मिलते हैं, कुछ अलग तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं कई बार। जैसे बगुला आया था कल परसों, ये देखो जी, ये ग्रास ऊपर जा रहा है। और ये खंभों की लाइटें बुझ गई हैं, उड़ता हुआ पक्षी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये खिले खिले से फूल, जब हवा चलती है तो बहुत ही एक आनंद भरा मौसम यहाँ हो जाता है। और उगता हुआ सूरज यहाँ से साफ दिखाई देता है। ये देखो, ये उगता हुआ सूरज। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये देखो तितली उड़ रही है। ये सब देखना मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रेरित करता है डेली पार्क में आने के लिए। और इन पक्षियों को, इन तितली भंवरों को देखना अच्छा लगता है। और जब लोग काम पर जाते हैं वो भी एक उत्साहित करता है इंसान को कि हमें जिंदगी में थक कर बैठ नहीं जाना चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। जिंदगी, वो कहते हैं ना, एक गाना है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से कि तूफान से डरता नहीं है, तू ना चलेगा तो चल देगी राहे, तुझको चलना होगा। मैं आपको गाकर सुनाऊं तो ज्यादा बेटर है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगे राहे, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हो बहुत ही अच्छा गाना है ये। कई गाने ऐसे हैं जो इंसान को प्रेरित करते हैं कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो उड़ती हुई चिड़िया,
आकाश में अठखेलियां कर रही हैं। ये देखो जी, शांत शांत वातावरण हो गया है, चलती हुई हवाएं, हिलते हुए पेड़ों के पत्ते, चहचहाते हुए पक्षी। ये देखो गिलहरी कूद रही है पेड़ पे। अब मैं कुछ लाना भूल जाती हूँ दाना गिलहरियों के लिए। वो जा रही गिलहरी, लुक एट दिस। तो ये सब देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओके फ्रेंड्स, अब घर चलने का टाइम हो गया है। ओहो, कोयल भी कुकी है। कु 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 कु, क्या बात है। चलो जी, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। इतने आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।